नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गीतिका मेहरोत्रा देहरादून से हूँ और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 21 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ। वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, इस विषय पर आज हम उत्तर बाल्यावस्था के बारे में जानकारी देंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। उत्तर बाल्यकाल जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें विलक्षण बालक अलग तरह से व्यवहार करते हैं और माता पिता और अध्यापक उनके व्यवहार से कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। इस समय बालकों को उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। यह बालक के आत्म प्रत्यय को विकसित होने का समय है जिस पर उसका संपूर्ण भविष्य निर्भर करता है। उसके सपने एवं आकांक्षाओं को उड़ान की सही दिशा मिलती है। जी स्टेनले हॉल ने अपनी किताब एडोलेसेंट में बालकों के लिए कहा है, हालांकि यह आयु मानव जीवन का अद्भुत काल है। मस्तिष्क लगभग परिपक्व हो चुका होता है, बालक अधिक क्रियाशील होता है, बालक घर से बाहर अपने जीवन को बढ़ा रहा होता है, उसके स्वयं की रुचियों एवं अभिवृत्तियों का स्वतंत्र रूप से विकास हो रहा होता है। ठीक ही कहा है, इस समय बालक अपने वास्तव कि उसका व्यक्तित्व किस तरह से उभर रहा है इसको जानने की कोशिश में लगा रहता है। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, शरीर के विकास में अनेक परिवर्तन उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं। हालांकि यह शैशवा अवस्था से कम गति से होते हैं। लड़कियों में लड़कों से यह विकास 2 वर्ष आगे दिखाई देता है। उत्तर बाल्यावस्था में अनेक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे बढ़ती शक्ति, बालक के शरीर की शक्ति बढ़ रही होती है और आवश्यकता होती है कि उसकी इस बढ़ती शक्ति का सही दिशा में उपयोग किया जाए। दूसरा, थकान के प्रति प्रतिरोधिता, जल्दी से उसे थकान नहीं होती, उसमें ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ होता है। तीसरा, खेलों के प्रति बड़ी रुचि, इस समय खेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मना किया जाता है वो छुपकर बिना बताए खेलने की कोशिश करते हैं और अपने समूह में खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वाभिमान एवं अपने स्व का विकास करने की तीव्र इच्छा के कारण उनके अंदर बढ़ती चालक क्षमता और इसमें अपना स्व, अपने आत्म प्रत्यय को जानने की तीव्र इच्छा उनके अंदर बढ़ती चली जाती है और इसके लिए वे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को दर्शाते हैं या उसमें भाग लेते हैं। 5वां परिवर्तन जो है वह है कौशल दक्षता का। विभिन्न कौशलों की दक्षता उनके अंदर दिखाई देती है और यही सही समय होता है जब हम उसके कौशल का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास, उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास का अद्भुत क्रम बालकों में दिखाई देता है। बालक स्वयं एवं बाह्य संसार में स्पष्ट अंतर करने लगता है। वह अपने वातावरण में वास्तविकता ढूंढता है और इस समय आवश्यक होता है कि उसे संसार की और उसके आसपास के वातावरण का वास्तविक रूप से परिचय कराया जाए। प्राकृतिक नियमों का प्रत्यय पूर्णता विकसित होने लगता है। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमारे आसपास की प्रकृति के क्या नियम हैं, क्या काम हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वाला प्रत्यय भी उसके अंदर सिर उठाने लगता है। इस समय वह शीघ्रता से सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा विचारों का संग्रह भी करता है। उसके दिमाग में अनेक लोगों के क्रियाकलापों को देखकर ढेर सारे विचार आते हैं और इसी कारण इस समय हमारे यहाँ विद्या आरंभ एवं उपनयन संस्कार किया जाता था। तार्किक चिंतन की क्षमता उसके अंदर बढ़ने लगती है। वैज्ञानिक कहानियों एवं यांत्रिक क्रियाओं में रुचि बढ़ती है। तरह तरह के, जिसको आप कहते हैं कि कल्पना वाली कहानियाँ, जिसमें तरह तरह के काम और एक जो कहते हैं कि सुपर ह्यूमन बीइंग या जो कहते हैं उच्च स्तर का मानव बनने की इच्छा उसके अंदर बहुत बढ़ जाती है और विभिन्न तरह के यांत्रिक क्रियाओं को करने में उसकी रुचि बढ़ जाती है। साहस बढ़ जाता है, साहसी हो जाता है,
तरह तरह के साहसपूर्ण काम करने की इच्छा उसके अंदर होती है और किसी भी काम करने से वो घबराता नहीं है। इस समय हम उसके इस साहस का उपयोग उसके व्यक्तित्व के विकास में भली प्रकार कर सकते हैं। कल्पना शक्ति पर आधारित खेलों को वरीयता देने लगता है। अब वो डर, झूठे डर, जानवरों से डर इत्यादि से दूर होकर कल्पना शक्ति पर आधारित खेल जैसे परीलोक, भूतों की कहानी, वायुयान का उड़ना, कार का हवा में उड़ना, इस तरह के खेलों को वरीयता देने लगता है। सामान्यीकरण की क्षमता बढ़ जाती है। बालक अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने लगता है तो उसकी यह क्षमता उसके जो कौशल को और अधिक बढ़ा देती है। उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेग जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना संवेगों के जीवन नीरस हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में भी संवेगों में अनेक परिवर्तन आते हैं। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करने सीख लेता है। वो हर समय अपनी खुशी या अपने दुख को नहीं दर्शाता। उसे पता होता है कि कब उसे रोना है, कब उसे हंसना है, कब उसे अपनी खुशी जाहिर करनी है। दूसरा, अमूर्त परिस्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ उसे दिखाई नहीं देती हैं उनमें भी वो अपने संवेगों को प्रकट करता है। तीसरा, संवेगों का प्रवाह दूसरों को देखकर भी होता है, जैसे सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। और इस समय बड़े लोग, घर के माता पिता, अध्यापक, भाई बहन अपने साथ उसके संवेगों को जोड़कर उसके व्यक्तित्व के विकास में मदद कर सकते हैं। बचपन के डर, जैसे जानवरों से डरना, ऊंची जगह का डर, तेज आवाज़ से डरना आदि विलुप्त हो जाते हैं और अलौकिक शक्तियाँ, काल्पनिक जानवर, गिरने का डर आदि बढ़ जाता है। पहले भी हमने बताया कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ उसकी कल्पना शक्ति भी बढ़ने लगती है। धमकाने, चिढ़ाने, अन्य बालकों से तुलना करने, उनके क्रियाकलापों का गलत अर्थ निकालने, साथियों या बड़ों के द्वारा अवहेलना करने पर विक्रोधित हो जाते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होती कि उनके साथ खेलने वाले बच्चों या उनके समूह की हम आलोचना करें। अभिभावकों का पक्षपातपूर्ण रवैया ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत काल में दुर्योधन से मिलता है। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि पांडव उससे बेहतर हैं, सब लोग उन्हें अच्छा मानते हैं, उसकी तुलना हमेशा पांडव भाइयों से की जाती है और इस कारण उसके अंदर ईर्ष्या की भावना अत्यंत प्रबल होती गई और जिसका परिणाम हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध था जिसने भारी विनाश किया था। उत्तर बाल्यावस्था में खुशी, आनंद, प्रेम, जिज्ञासा, दुख और लगाव आदि संवेगों का विकास भी बहुत तेजी के साथ होता है। इस काल में बालक अपने जैसे ही बालकों का समूह बनाता है। साथियों का यह समूह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और सामाजिकरण का कारण बनता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अकेला मनुष्य एक कोरी कल्पना है और उसके लिए सामाजिकरण अत्यंत आवश्यक है। और इस काल में जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसे अपने उम्र के आसपास के बालकों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वह घर से निकलकर स्कूल में पहुंचता है तो इसलिए उसका सामाजिक दायरा भी बड़ा हो जाता है। स्कूल और घर के नियम उसे अच्छे नहीं लगते, अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। बाल अपराध की भावना भी इस समय ही ज़्यादा होती है। इस समय बच्चों को नई नई बातें जानने की उत्सुकता होती है जिससे कभी कभी वे अपराध की ओर भी बढ़ जाते हैं। लड़कियों को लड़कियों के साथ खेलना एवं लड़के को लड़कों के साथ खेलना पसंद आता है। उनके खेलों में भी अंतर होता है। सामान्यतः लड़के विद्रोही स्वभाव के होते हैं और लड़कियां अधिक व्यवस्थित होती हैं। सामान्यतः ये हम सभी लोग जानते हैं कि लड़कों में उत्पाद की प्रवृत्ति अधिक होती है जबकि लड़कियां शांत होती हैं, अपना काम करीने से करती हैं। बालक सामूहिक रूप से खेलना पसंद करते हैं। समूह के प्रति चेतनता विकसित होती है। वह आत्म केंद्रित एवं जल्दी क्रोध करने वाला, साथ ही अधिक सहयोगात्मक भी होता है। इस समय उसके संवेग इस तरीके से विकसित हो रहे होते हैं कि उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है लेकिन जल्दी ही वो इन बातों को भूल भी जाता है और फिर सामान्य व्यवहार करने लगता है। तो इस समय हम उससे विभिन्न कार्यों में
सहयोग ले सकते हैं, उसकी ऊर्जा का विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे समय में आत्मचेतना का विकास होता है, और अगर उत्तर बाल्यकाल में हम बालक की आत्मचेतना को समझना चाहते हैं तो हमें मैस्लो के विकास के सिद्धांत पर ध्यान देना होगा, जिसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले शैशवावस्था में बालक अपने आत्म प्रेम में लीन होता है और उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति अधिक सजगता होती है। लेकिन जैसे जैसे वो उत्तर बाल्यकाल की तरफ बढ़ता है तो वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं, सुरक्षा की आवश्यकताओं से बढ़कर अब वो प्रेम और सहयोग की बातों की तरफ बढ़ने लगता है। उसके अंदर ये भावना बहुत प्रबल हो जाती है कि सब लोग उसका सम्मान करें, और यह आवश्यक भी है कि अभिभावक और माता पिता के रूप में हम बच्चे की गलतियों पर कभी भी उसे सबके सामने उसके समूह में ना डांटे, जिससे उसके आत्म सम्मान को ठेस लगती है और वो फिर अंतर्मुखी होने की तरफ भी बढ़ सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उससे बात करते समय आत्म सम्मान का हम हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा मैं क्या हूँ, मुझे किस तरह का व्यवहार करना है, ये प्रवृत्ति भी उसके अंदर तीव्रता से विकसित होने लगती है। और जो मैस्लो का आत्म सिद्धि का पद है वो तो उसकी बात तो हम किशोरावस्था के बाद जाकर करेंगे, लेकिन इस समय आत्म सम्मान की भावना उत्तर बाल्यकाल में अधिक प्रबल होती है। उत्तर बाल्यावस्था और भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान सदा से ही कर्म प्रधान रहा है, और अगर हम उस पर जरा सा भी ध्यान दें, हमारे संस्कार इस तरीके से गढ़े गए थे कि उससे बालक का विकास स्वतः ही होता चला जाता है, चाहे वो किस उम्र से ही गुजर रहा हो। शैशवावस्था में जहाँ हम जात कर्म संस्कार की बात करते हैं, नामकरण संस्कार की बात करते हैं, वहीं उत्तर बाल्यावस्था में हम मुंडन अथवा चूड़ा कर्म संस्कार की बात करते हैं। मुंडन एवं चूड़ा कर्म संस्कार, इसमें बाल उतारने और मानसिक विकास को गुण कर्म स्वभाव के विकासात्मक कार्य से जोड़ा गया है। इसका ध्येय स्वच्छता, पवित्रता, सौंदर्य वर्धन एवं शारीरिक एवं मानसिक पुष्टि भी माना गया है। इसके साथ ही मानसिक विकास में ज्ञानात्मक विकास पर अधिक बल दिया गया है, और हमारे यहाँ शिखा रखना चेतना का प्रतीक माना गया है। ये मानसिक समृद्धि का द्योतक हमेशा से रहा है। दूसरा संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इस विकासात्मक कार्य या संस्कार का ध्येय शिक्षा का आरंभ करना था। बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। व्यक्तित्व के परिष्कार हेतु शिक्षा का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसका ध्येय वाक्य है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है, अर्थात विद्या वह है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है। और बाल्यकाल में यह बात अत्यंत आवश्यक हो जाती है कि हमें ऐसी शिक्षा मिले कि जो हमें ये बताए कि क्या व्यवहार सही है और क्या व्यवहार गलत है। उपनयन संस्कार यह बाल विकास के कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यज्ञोपवीत संस्कार सद्गुणों के विकासात्मक कार्य का प्रारंभ था, जो बालकों को विद्या अर्जन हेतु तपोमय जीवन की साधना एवं अभ्यास का मार्ग प्रशस्त करता था। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 सद्गुणों का प्रतीक हैं, जिसमें पहला सद्गुण ही यही था कि अन्य 8 सद्गुणों का यथाशक्ति पालन करना, और उन सद्गुणों का पालन करते हुए एक समग्र व्यक्तित्व की तरफ बालक बढ़ने लगता है। भारतीय जीवन दर्शन एवं मनोविज्ञान में बालक को ऐसे आचरण का अनुसरण कराया जाता है जिससे बालक के शरीर में प्रकृति वातानुकूलन यंत्र सुदृढ़ हो। आज के एसी की बात हम नहीं करते, प्राकृतिक रूप से वातानुकूलन उसके शरीर में ही सुदृढ़ हो। उनसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराया जाता था ताकि वे बालक जाड़ा, गर्मी, बरसात को आनंद के साथ सहन करने वाला बने। उत्तर बाल्यकाल में यदि हम बालक के विकास का सर्वोत्तम उदाहरण देखना चाहते हैं तो वह गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का है। गुरु चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसके व्यक्तित्व को उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचाया था। यही बालक आगे चल मौर्य वंश का सबसे प्रभावी शासक बना।
गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में बचपन में ही यह देख लिया था कि उसके अंदर एक शासक बनने की शक्तियाँ निहित हैं, और उन्हीं शक्तियों को पहचान कर वे उसके व्यक्तित्व का विकास करते हुए चले गए थे। इसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो हम गुरु द्रोण का ले सकते हैं, जिन्होंने बालकों की या अपने शिष्यों की शक्तियों को पहचान कर उन्हें उसी के हिसाब से शिक्षा दी थी और उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया था। उदाहरण के तौर पर युधिष्ठिर को धर्म की शिक्षा दी थी, भाले की शिक्षा दी थी, भीम और दुर्योधन को गदा की शिक्षा दी थी, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाया था, नकुल और सहदेव को नक्षत्रों की, गौपालन की और अश्वों की के रख रखाव की शिक्षा गुरु द्रोण ने दी थी। इस तरह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अगर शिक्षक बालक की शिक्षा पर ध्यान दें तो उन्हें बालक के समग्र विकास के प्रति या समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता। चंद्रगुप्त मौर्य एवं कौरव पांडवों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि उत्तर बाल्यकाल जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय शिक्षक एवं माता पिता बालक की शारीरिक ऊर्जा, आत्म प्रत्यय की पहचान की तीव्र इच्छा, आत्म अभिमान, सामाजिक व्यवहार इत्यादि का प्रयोग करके उसके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और इसी व्यक्तित्व पर बालक का संपूर्ण भविष्य निर्भर करता है। और यह कहना उचित ही होगा कि माता पिता और शिक्षक के दिशा निर्देशन में यदि बालक उन्नति करे तो वह आगे ही बढ़ता चला जाता है और फिर उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं यही कहूँगी कि विकास के क्रम को जानते हुए, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम शिक्षा की व्यवस्था करें तो उसके संपूर्ण विकास की ओर उसे अग्रसर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस उत्तर बाल्यावस्था के बारे में दी गई जानकारी पसंद आएगी, और अगली बार हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।